नमस्कार, आप देख रहे हैं डोंट बी ब्लाइंड इंडिया। दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त ये एक सीधे बड़ी खबर ममता बनर्जी को लेकर निकल कर आ रही है। जी हां, आपको बता दें 26वां कोलकाता फिल्म फेस्टिवल, सीएम ममता बनर्जी बोली पश्चिम बंगाल में अब पूरी क्षमता के साथ खुलेगा सिनेमाघर। ममता बनर्जी ने आज 26वें कोलकाता फिल्म फेस्टिवल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, महामारी की वजह से सिनेमा हॉल सिर्फ 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाज़त है। अब मैं यह 100% करती हूं, लेकिन पर्याप्त सावधानी के साथ। इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने भी सभी सिनेमाघरों को पूरी क्षमता के साथ खोलने की मंजूरी दे दी थी। बीते हफ्ते स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार घट रही है, लेकिन 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी कोरोना के कुल एक्टिव केस में 62% हिस्सेदारी है और पश्चिम बंगाल इनमें चौथे स्थान पर है। 8 जनवरी को जारी आंकड़े के मुताबिक पश्चिम बंगाल में एक दिन के अंदर कोरोना के 926 नए मामले आए थे। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने भी सिनेमा हॉल को पूरी क्षमता के साथ खोलने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था। हालांकि केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने तमिलनाडु के सचिव को चिट्ठी लिखी और कहा कि उनका यह आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश को हल्का बना देगा। अजय भल्ला ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव से कहा कि तत्काल प्रभाव के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के अनुरूप ही दिशा निर्देश जारी किए जाएं। अनलॉक 5 के तहत सरकार ने सिनेमा हॉल को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाज़त दी थी। इसके बाद दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों ने 50% दर्शक क्षमता के साथ सिनेमाघरों को खोलना शुरू किया। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में भी अब आप सभी को सिनेमा हॉल खुलते हुए नजर आएंगे, वो भी 100% लोग जा करके देख पाएंगे। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।